FUT जो पुराना एक टेक्निक था सर्जरी का, वो मैंने 2014 में किया था। काफ़ी पेनफुल सर्जरी था वो टाइम का। जो चीज़ें मैंने निगलेक्ट की थी जिसकी वजह से मेरा काफ़ी एयरफॉल हुआ, जो एग्जिस्टिंग हेयर्स थे वो भी चले गए। आइडियली मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। जो हिसाब से ग्राफ प्लेस की उससे मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ नेक्स्ट 4 to 5 months में रिजल्ट आएगा और वो भी बहुत बेटर आएगा। इनफैक्ट आई विल से वो सबसे बेस्ट आएगा। वेलकम टू न्यू रूट्स हेयर क्लिनिक एंड एडवांस्ड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। आज हमारे साथ हमारे पेशेंट मिस्टर नीरज है। ही इज 32 ईयर्स ओल्ड। इनकी सर्जरी कल हुई है एंड वी वुड लाइक टू आस्क हिम हाउ हिज एक्सपीरियंस एंड स्टोरी वॉज, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ। इनकी ये सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है, बाकी ओवर टू यू। मेरा नाम नीरज है और मेरा कल सर्जरी हुआ है। सफायर एफयू मैंने टेक्निक सिलेक्ट किया था यहाँ पे और उसी बेसिस पे मेरा सर्जरी हुआ है। तो अपना प्रायर हिस्ट्री में अगर मैं बताऊँ तो मैंने 2014 में FUT जो पुराना एक टेक्निक था सर्जरी का, वो मैंने 2014 में किया था जिसमें स्ट्रिप निकाला जाता था। काफ़ी पेनफुल सर्जरी था वो टाइम का। लेकिन फिर बाद में जो 2014 में जो मैंने सर्जरी की थी उसके सर्जरी के बाद मैंने ना PRP सेशंस लिए ना कुछ नहीं। और तो जो चीज़ें मैंने निगलेक्ट की थी जिसकी वजह से मेरा काफ़ी हेयरफॉल हुआ, जो एग्जिस्टिंग हेयर्स थे वो भी चले गए और जो ट्रांसप्लांट किए हुए थे वो उस हिसाब से चले गए कि जहाँ पे कुछ बाल थे जहाँ पे कुछ बाल नहीं थे। इस टेंशन में आके मैं सेकेंड सेशन करूँ कि नहीं करूँ, इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन था। मैंने 2-3 साल से मेरे को हेयरफॉल बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने वही डिसाइड किया कि अभी करना है और जो पैचेस जो दिख रही है उसको रिफिल करना है। लेकिन उसमें एक टेंशन इस चीज़ का था कि बराबर हो पाएगा कि नहीं, या फिर मेरे एग्जिस्टिंग हेयर डैमेज होंगे कि नहीं होंगे। उसके लिए मैंने 2-4 जगह पे क्लिनिक्स में जाके आया तो किसी ने कहा वो रिस्क है, आपके एग्जिस्टिंग हेयर जा सकते हैं। तो किसी ने कहा कि आपका डोनर एरिया पूरा डिप्लीट हो चुका है, हम इस पर ज़्यादा ग्राफ्ट नहीं निकल सकते, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्रंट एरिया कवर कर सकते हैं, मिड एरिया हम स्किप करना पड़ेगा, या तो कोई सेशंस लेके या फिर मेडिसिन से वो थोड़ा सा रिफिल हो सकता है। तो आइडियली मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि अभी बचा हुआ जो मेरा डोनर एरिया है उस डोनर एरिया में मुझे उस बचे हुए डोनर एरिया में ही मुझे पूरा यूटिलाइज करना था। तो इसलिए मुझे कुछ अच्छा चाहिए था और उससे ज़्यादा ज़रूरी था कि मुझे कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे गेन हो जाए वो ज़रूरी था। तो फाइनली मैंने इधर न्यू रूट्स वाशी में मैंने एक 6-7 महीने पहले मैंने यहाँ पे विज़िट किया और जब मैंने विज़िट किया तब मुझे सेवेरिक डर्माटाइटिस था जो मुझे बहुत सालों से था। तो क्लिनिक ने तो सबसे पहले मुझे ये सजेस्ट किया कि आप इमिडिएटली मत करो, आप सबसे पहले आपका डर्माटाइटिस क्लियर करो, जिसके लिए क्या मेडिसिन लेना है क्या नहीं उसके लिए तो अलग मैंने डॉक्टर कंसल्ट किया ही था। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ की टीम जो थी वो मेरे साथ कॉन्स्टेंटली फॉलोअप में थी, वो ये चेक कर रही थी कि मेरा स्कैल्प कंडीशन बराबर है कि नहीं, डोनर एरिया में मेरे यहाँ पे ज़्यादा डैंड्रफ है कि नहीं है, मतलब वहाँ पे जो इश्यूज थे जो इचिंग होता था रेड पैचेस थे डर्माटाइटिस में जो होते वो रेगुलर बेसिस पे चेक करते थे और रेगुलरली फॉलोअप रख के बुलाते थे कि आपका अभी क्या लेवल है। और जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, जब तक क्लियर नहीं होता मेरा स्कैल्प, तब तक उन्होंने मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। और अभी जब मेरा सब क्लियर हो गया है तो उन्होंने तो सर्जरी के लिए मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया कि अब सर्जरी के लिए मेरा हेल्थ स्कैल्प जो है वो हेल्दी है। और डोनर एरिया भी उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंटली कहा कि इतना जो आपका जो पोर्शन है जो बेल्ट पैचेस है उसके लिए उतने ग्राफ्ट निकलेंगे और वो कॉन्फिडेंटली उतने निकाल भी पाएंगे और विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज विद डोनर एरिया। मतलब ऐसे नहीं कि पीछे से ग्राफ्ट निकाल दिए तो फिर पीछे का पोर्शन बेल्ट दिखेगा, या फिर उन्होंने इतना भी कॉन्फिडेंटली कह दिया। तो उस बेसिस पे ही मैंने यहाँ पे फिर न्यू रूट्स सेलेक्ट किया और कल मेरी सर्जरी हुई है। काफ़ी पेनलेस सर्जरी थी और एनेस्थेसिया इस हिसाब से दिया गया कि पूरा सर्जरी, मतलब सर्जरी शुरू होने से लेकर एंड तक कोई ऐसा पेन फील नहीं हुआ। और टाइम टू टाइम मुझे ब्रेक्स दिया जाता था, वो ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अगर आप सर्जरी करते हो कॉन्स्टेंटली सर्जरी होता है, मेरे 4,000 ग्राफ्ट थे तो एक लंबा प्रोसीजर था, तो आइडियली थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स लेना ज़रूरी रहता है क्योंकि आप एक ही पोजिशन में ज़्यादा देर सो नहीं सकते हो। तो
तो इसलिए उन्होंने हर 1 घंटे में 2 घंटे में जैसे ऐसा टाइम मिलता था मुझे ब्रेक्स देते थे। तो टोटल मैंने 12 घंटे बिताए। 12 घंटे में मुझे टेक्निक क्या यूज़ हो रहा है और ग्राफ्स कितने निकल रहे हैं, ग्राफ्स की पोजीशन क्या है, ग्राफ्स कितने अच्छे हैं कितने नहीं है, कहाँ पे क्या यूज़ हो गया, वो सर्जरी के टाइम पे मुझे बताया भी जा रहा था। तो जो हिसाब से उन्होंने सब मेंटेन रखा, जो एक बैलेंस एटमोसफेयर रखा, जिसकी वजह से मेरे 12 घंटे कब चले गए पता भी नहीं चला और सर्जरी एंड भी कब हो गई वो भी नहीं पता चला। सो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन। जो हिसाब से ग्राफ प्लेस किए उससे मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि नेक्स्ट 4 to 5 months में रिजल्ट आएगा और वो भी बहुत बेटर आएगा। इनफैक्ट आई विल से वो सबसे बेस्ट आएगा, क्योंकि उन्होंने उनके टेक्निकली के हिसाब से उन्होंने फ्रंट एरिया, मिड एरिया और क्राउन एरिया, जो सबसे क्राउन एरिया जो सबसे डिफिकल्ट होता है, वो भी उन्होंने अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने उन्हें ये किया, ग्राफ प्लेस किया था। सो आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। इनफैक्ट आई एक्सपेक्ट बेस्ट रिजल्ट इन नेक्स्ट 5 to 6 months एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू द एंटायर न्यू रूट्स टीम। थैंक्स थैंक्स फॉर योर फीडबैक। सो इन्होंने पूरी अपनी जर्नी शेयर करी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी वुड जस्ट लाइक टू ऐड, टेक्निकली इनकी एक FUT सर्जरी हुई थी 2014 में। तो FUT में आपके पास कंट्रोल नहीं होता आप कौन से ग्राफ्स ले रहे हैं। वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द सर्जरी एक्सेप्ट फॉर हैविंग अ स्कार इज दैट यू कांट चूज द क्वालिटी और द टाइप ऑफ ग्राफ्स। बट इन FUE यू कैन सी कि आपको जो 3 हेयर 2 हेयर एनाजेन फेज में हेल्दी फॉलिकल मिल रहे हैं उन्हीं को आप प्लग करें। इनकी हेयरलाइन हमने स्लाइटली नीचे ली एंड इनका मेन कंसर्न था उनका मिड स्कैल्प। तो मिड स्कैल्प में हमने उन्हें मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी दी है एंड बिकॉज वी वर एबल टू एक्सट्रैक्ट अबाउट 3900 ग्राफ्स फॉर हिम, वी हैव ऑल्सो प्लेस द ग्राफ्स इन अ सर्टन वे जिसे हम ब्रिक पैटर्न कहते हैं, जिससे जब वो कोम करेंगे तो एक के पीछे एक हेयर फॉलिकल नहीं होगा, इट विल बी ऑल्टरनेट। तो उनका जो स्कैल्प है वो विजिबल नहीं होगा, विच इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द अवेलेबल फॉलिकल्स। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स नीरज फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। थैंक यू।